अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे सब बोले दी सर, मुझे उनको बोले सब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक ठीक है, असत्य निराधार, जी सर जी, उसके ठीक है निराधार है सर। ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा, मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँगा। माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, पहले बैठ जाए, पहले लोग बैठ जाए, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए तब मैं आपको अलाउ करूँ, सब बैठ जाए मैं आपको अलाउ करूँ, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाए मैं अलाउ करूँगा, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद, जितना करिए अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे, श्री अनुराग ठाकुर जी हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, ये नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आपने लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसा कैसे चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर। उठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर मैंने क्या कहा था सर, सर 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 माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस ठाकुर माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही है, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, फिर मैं उनको
दे दूँ हम लोग जी सर। सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो आप लोग जाइए बिल से बात, एलओपी एलओपी प्लीज बैठ एलओपी आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए सर, स्पीकर सर अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर इस दे सर माइक नहीं सर माइक एक मिनट माइक यहां से नहीं जाती का सर मैं नाम भी तो माइक आ जाएगा स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है, और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म, आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे, धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी, गौरव जी नहीं गौरव जी आप देखिए, गौरव जी आप तो हमें समझ दीजिए, खत्म हो जाएगा सर श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी, ये तय कर ली मुझे जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ, हाँ तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई बात मुझे बोले सर, सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा, ठीक है आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंज करूंगा, आप भी कर रहे सुन रहा हूँ श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना सभापति महोदय सभापति महोदय क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए, मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस जाति कैसे पूछ सकते हैं आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले,
कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई। माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर? जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।